हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी चाय पी रही हूँ और देखिए इसमें थोड़ा चना है और ये देखिए चना है और लाई है, ठीक है। तो इसको हम खा रहे थे और चाय मैंने आधी पी ली है, अभी आधी बची है तो भूख बहुत लगी थी। अभी 2:30 बज रहा है तो पापा बोले चाय बनाओ, चाय बनाए थे। और आज मेरा मैंने मीशो से एक प्रोडक्ट मंगाया था, मेरा नहीं है वैसे, दीदी का है, दीदी ने बोला था ऑर्डर कर दो, तो आज आया है तो ही उसकी ओपनिंग करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे क्या है सामान। चलिए फ्रेंड दिखाते हैं आपको। और इस बार हर बार मैं एक्साइटेड होके मतलब पहले ही खोल के देख लेती थी, लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं, मैं साथ में ही वीडियो बनाती चलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ये प्रोडक्ट है जो आया है और अभी 1-1.5 घंटे हुआ आया है इसको। उसके बाद मैंने चाय बनाया, उसके बाद सोचे वीडियो बना लेते हैं फिर। तो देखिए ऐसे कुछ पैकिंग है इसकी। और आपको एक साथ साथ एक चीज़ और दिखानी है कि देखिए, पापा साड़ी लाए हैं माता जी को चढ़ाने के लिए। तो अष्टमी को, अष्टमी के दिन नहीं, नवमी के दिन हमारे यहाँ मतलब माता जी को कुछ मतलब पकवान बना के चढ़ाया जाता है, उसके साथ में साड़ी चढ़ाई जाती है माता जी को एक, तो इस साथ में साड़ी भी दिखाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले आपको साड़ी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं सामान। फ्रेंड्स की साड़ी है, मम्मी ने इसको खोल के रख दिया। देखिए सबसे ये इसका प्रिंट है, कुछ साड़ी ऐसे है और देखिए ये लड़की पहनी हुई है कैसी लग रही है, ऐसे है साड़ी। साड़ी मुझे बहुत खास पसंद नहीं आई, मम्मी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आई। और देखिए ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 500 के अंदर की है। और ये ब्लाउज का कपड़ा है और ये पेटीकोट का है, बाकी ये साड़ी है। देखिए साड़ी और मम्मी खोल दी थी, ये साड़ी अच्छी है साड़ी, बहुत मतलब मम्मी को थोड़ा कम पसंद आई, मम्मी को पहनना रहता है माता जी को चढ़ाने के बाद, मम्मी ही पहनती हैं इसको, यूज करती हैं वही, तो उनको थोड़ा कम पसंद आई। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा साड़ी कैसी है। चलिए फ्रेंड्स इसको रखते हैं और इसको रखना पड़ेगा सम के आके, तो इसको अभी रखते हैं और दिखाते हैं अपना मीशो वाला प्रोडक्ट। फ्रेंड्स काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ आज, क्योंकि इधर टाइम नहीं मिल पाता, मेरा पेपर भी लगा हुआ है पेट का, तो इसलिए पेपर नहीं, वो सॉरी वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसको रख दे रहे हैं इसमें, और इसको डिब्बे में रखेंगे बाद में। और ये देखिए अब मैं इसको खोलती हूँ, ठीक है। ये देखिए टेप, इसकी पैकिंग कितनी मजबूत रहती है। आज से मैंने खोलने की कोशिश की थी, खुला नहीं था, तो मैं चक्कू लाना पड़ा। फ्रेंड देखिए इस चने में मम्मी मसाला लगाई है, और उसके बाद ये चना खाने में बहुत मस्त लगता है। मम्मी इसमें धनिया और हल्दी लहसुन सबको मतलब अच्छे से भून के उसके बाद इसी में चने में मिला के रखे हैं, उसके बाद से चने का टेस्ट ही बदल गया, बहुत मतलब मस्त लगता है। लहसुन जिसमें पड़ जाता है ना, उसका स्वाद वैसे ही चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको खोलते हैं, कहाँ से खोलें इसको। इसकी पैकिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, इसे इसको देते हैं फाड़।
से स्टेप बहुत बहुत मजबूत है, मेरा सब कुछ चल नहीं रहा है भाई, चल रह रहा है। देखिए पानी कट गया है, इसके अंदर भी एक लगा है। देखिए फ्रेंड्स पानी खुला है, ये वाला बॉक्स, इसके अंदर भी अभी बॉक्स है, इसके अंदर में है मेरा प्रोडक्ट, मेरा नई दीदी का। तो देखिए ऐसे पैकिंग रहती है इसकी, इसमें देखिए फ्रेंड्स इसको भी अच्छे से कितना मजबूती से पैकिंग करते हैं, यानी कि टूटने वाला सामान है ना तो टूट भी सकता है, इसलिए इसकी पैकिंग बहुत मजबूत करी गई है। देखिए तो देख सकते कितना, ये मैंने मीशो से मंगाया है, तो चलिए दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स कितनी स्ट्रॉन्ग पैकिंग करी गई है इसकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैकिंग है। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट है, और फ्रेंड्स इसका ये जो पन्नी होता था पहले हम लोग बहुत धुमाते थे, जब मेरे यहाँ साइकिल खरीद के आई थी नई नई तो उसमें लगा रहता था ये, तो ये इसको दबा ऐसे फोड़ने में बहुत मज़ा आता था, बहुत फोड़ते थे हम लोग इसको। आई होप आप सभी लोग भी ये किए होंगे। तो चाय में ठंडी हो जा रही है, पी नहीं पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसको खोलते हैं, ऐसे खुलेगा ये। अब आप लोग हो सकता समझ गए होंगे, लेडीज जो होंगी वो समझ गई होंगी कि क्या चीज है ये। फ्रेंड्स देखिए ये है, ये देखिए शीशा भी लगा हुआ है, बताइए क्या है ये, कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स ये है दीदी मंगाई थी अपने लिए प्रोडक्ट, क्योंकि वो पार्लर सीख रही हैं तो इसके लिए उनको आई शैडो करने के लिए उनको मतलब ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की, तो वही मंगाई हैं दीदी। और ये पड़ा है 384 रुपये का, तो अभी तो मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, अभी दीदी आएंगे तो वही देखेंगे, एक्चुअली वो गई हैं पार्लर। फ्रेंड्स देखिए और इसको ना आँखों में ऐसे इस पर लगाया जाता है, मैं तो कभी इस करती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता भी नहीं ज़्यादा और मुझे करने आता भी नहीं। फाइनली फ्रेंड्स मेरी चाय ठंडी हो चुकी थी लेकिन मैंने पी लिया कई तरीके से, ठंडी ठंडी चाय ठंडी हो जाती मज़ा नहीं आती पीने में। फ्रेंड्स आप लोग देखिए इसमें बहुत सारे कलर हैं, इसमें 64 या 63 ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 9 और 1 2 3 4 5 6 9 7 63 ही है इसमें, मतलब 63 ही है, ये लग नहीं रहा देखने में 63 होगा लेकिन नहीं 63 ही है इसमें। 90 तो इस रो में है और ये 7 रो है तो 963 होगा। और इसमें देखिए एक शीशा भी है, तो मीशो से मंगाने से एक फ़ायदा ये रहता, मतलब मैं तो मीशो के अलावा मैंने कभी आज तक किसी और दूसरे ऐप से ऑर्डर नहीं किया है, मैं मीशो यूज करती हूँ। और मैंने जो ट्राईपोड लिया था मीशो का वो मतलब मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैंने बताया था कि मैं वापस कर दूँगी, तो मैंने उसको वापस कर दिया था। हाँ लेकिन मतलब इतनी मतलब आसानी से पैसे रिटर्न कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं ये लोग, तो
बढ़िया है मीशो, मुझे सही लगता है। बाकी तो और सारे ऐप्स भी अच्छे होंगे, मतलब जैसे की जाती है शॉपिंग, क्योंकि मैंने मीशो यूज किया तो मैं मीशो को जान रही हूँ। बाकी आप लोग बताइए और कौन से मतलब शॉपिंग ऐप्स अच्छे होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर रखते हैं आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, नए वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं लाइव आती हूँ तो आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए फिर, बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी रखूँगी। बाय।